बिहार में अक्सर देखा गया है कि जमीन के मामले को लेकर प्रशासन द्वारा बुलडोजर से कार्रवाई की जाती है। हाल ही में बिहार पुलिस ने एक महिला के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई की थी, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने जस्टिस संदीप कुमार की बेंच में बिहार पुलिस और वकील दोनों को जमकर क्लास लगाई गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें जज, पुलिस और वकील जो जमकर खड़ी खोटी सुना रहे। वीडियो पटना हाईकोर्ट का बताया गया है, जिसमें जज संदीप कुमार बिहार पुलिस और वकील को फटकार लगा रहे। जज कह रहे हैं कि क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा, आप किसके प्रतिनिधित्व करते हैं, राज का या किसी निजी व्यक्ति का? तमाशा बना दिया है कि किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देते हैं। जज ने यह भी कहा कि घूस लेकर जनता दरबार, पुलिस और सीओ मिलकर घर तोड़वा रहे हैं, अब सब अपने पॉकेट में 5-5 लाख निकाल कर देंगे। वीडियो में जज संदीप कुमार पीठ ने पिटीशन को पढ़ते हुए कहा कि सभी अधिकारियों को किसी न किसी भूमाफिया से मिली भगत है। इसे पढ़कर जज बोले कि भूमि विवादों को चिन्हित कर थाना को ही पावर दिया है क्या निष्पादन करने का। जज बोले कि आपको समस्या है तो थाना जाए, पैसा देकर घर तुड़वा दीजिए किसी का, सिविल कोर्ट को बंद कर दीजिए, हम यहाँ आपकी रक्षा के लिए है ना कि गलत करने के लिए बैठे हैं। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि अदालत की शांतियों को उल्लंघन करते हुए जिस तरह से विचाराधीन घर को ध्वस्त किया गया था, उस पर पीड़ित ने अपना पक्ष रखा है। पीड़ित के याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया है कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भूमि माफियाओं के इशारे पर जमीन खाली करने के लिए दबाव बनाने का झूठा मामला दर्ज किया गया है। पीठ ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया है कि वह याचिकाकर्ता की सुरक्षा के लिए थाना याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए था। नतीजन अदालत की प्राथमिकी पर रोक लगा दी और पुलिस को मामले में याचिकाकर्ता और उसके परिवार को सदस्यों को गिरफ्तार करने से रोक दिया। इधर फिल्म निर्माता और वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने इसका वीडियो शेयर किया है। उन्होंने शनिवार को ट्वीट पर लिखा कि पटना हाईकोर्ट के जज संदीप कुमार तक हजारों हजार सलाम पहुंचे, बुलडोजर ही चलना है तो अदालतों को बंद कर दे क्या, हर अदालत ऐसे 2-4 जज हो जाए तो ऐसे देश में तस्वीर ही बदल जाए। विनोद कापड़ी ने इसका अलावा और भी ट्वीट किया और जज की तारीफ भी की है। जज संदीप कुमार ने कहा कि घर टूटने का 5-5 लाख रुपया हम सबसे दिलवाएंगे, ये ऐसे वो अपनी पर्सनल पॉकेट से देंगे, ये लोग एजेंट बने हुए हैं, ना इसे रोका जाना चाहिए। जज साहब ने कहा कि घूस लेकर जनता दरबार, पुलिस और सीओ मिलकर घर तुड़वा रहे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सभी कोर्ट में अपनी बारात लेकर 8 दिसंबर को आ जाइएगा। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक पटना, पूर्व अंचल अधिकारी पटना सिटी और प्रभारी अधिकारी अगम कुआ पुलिस स्टेशन को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। बुलडोजर पेज नंबर 21 पर व्हाट्सएप फोटो है। क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? Whom do you represent? The state or some private persons? तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। ये काउंटर एफिडेविट का लिखिए, फ्रॉम लिखे हुए काट दीजिए। From reading of the FIR counter affidavit of the SHO, it seems that all the officials are hand in gloves with some land mafia and they have illegally demolished the house of the petitioner without following the due process of law. राइज करने के लिए मेरे ऊपर एक FIR भी दर्ज कर दिया। बहुत अच्छे, FIR नंबर दीजिए। अभी हम ऑर्डर लिखाएंगे, देखिए ना, आप दीजिए बताइए। I am here to protect you, not to trouble you. It has been further submitted by the learned counsel for the petitioner that a false case has been registered by the police against the petitioner and his family members to pressurize them to vacate the land at the instance of land mafias who are respondents, private respondents in this case. The further proceedings of FIR of Agam Kuwa police station PS case number 800-1 of 2022 shall remain stayed and the police is restrained from arresting the petitioner and his family members who are accused in that case. Aur kuch? 5-5 lakh sabse hum dilwayenge inko. Ghar todne ka muawja personal pocket se. जनता दरबार, अब पुलिस और सीओ मिलकर घर तुड़वा रहा घूस लेकर। आ गया SHO का, अब सप्लीमेंट्री देना है और सबका बारात लेकर आइएगा आप।